आदाबर्स मेरे साथ जुड़े तमाम सामयीन और हाज़रीन को मेरा आदाब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी जिन्होंने अपना क़ीमती वक्त निकाल कर आज आप मेरे साथ यहाँ पर शामिल हुए मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ जन सरोकार मंच की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके रूबरू पेश हो सकूँ मेरे लिए ये बहुत ख़ुशी की बात है कि मुझे अपनी कहानी अपने ख्याल और अब तक का जो मेरा अदबी सफ़र है वो आपके साथ साझा करने का मौका दिया गया है जो लोग मुझसे वाकिफ नहीं हैं उन्हें मैं अपना मुख्तर तारुफ दे दूं। मेरा नाम शहनाज यूसुफ़ है उदयपुर राजस्थान से मैं ताल्लुक़ रखती हूं। उर्दू ज़बान व अदब से वाबस्ता पीएचडी की डिग्री जो है मैंने वो भी उर्दू अफसानों पर ही हासिल की है आ, मेरे कलमी सफर की अगर मैं बात करूं तो उसकी इब्तदा आज से कई सालों कबल हो चुकी थी जब मैं स्कूल में थी दरअसल हाँ होता है ना कि हमारे जो असातजा होते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं उनका हमारे जिंदगी में बड़ा अहम रोल होता है तो खुदा का शुक्र है मुझे भी ऐसे असातजा नसीब हुए जिन्होंने मेरी छुपी हुई जो सलाहियतें हैं उनको पहचाना और मुझे इस तरफ लिखने की तरफ रागब किया इसके साथ ही जो उर्दू अफसाने मैंने कविताएं बहुत पहले से लिखना शुरू कर दी थी शुरू कर दी थी हिंदी जबान में राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से मुझे नवाज़ा भी गया अवार्ड से नवाजा गया साथ ही जो मेरा अफसाने लिखने का जो सफ़र है मैं उसकी बात करूं तो उसकी जो कहानी है उसके पीछे जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प रही है उर्दू में एक बेहद मशहूर राइटर हैं अभी कॉन्टम्प्रेरी राइटर हैं रतन सिंह उदयपुर में जब उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल हुआ तब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए जब मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उन्हें बताया कि मैं उर्दू अफसानों पर काम कर रही हूँ तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये सवाल किया कि अब तक कोई अफसाना लिखा है तो मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि मैंने अब तक कोई अफसाना लिखा नहीं था उस वक्त तक तो मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं लगता मैं मेरी मुझ में अभी तक वो सलाहियत है या मेरी कलम में वो बात है कि मैं अफसाने लिख सकूं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है तो मैं थोड़ा घबरा गई मैं कहा उम्र क्यों पूछ रहे हैं मुझसे तो वो समझ गए और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है हैतन हैदर ने अपना पहला अफसाना ग्यारह साल की उम्र में लिख दिया था अब तुम्हारी उम्र क्या है जरा आप करो और देखो तुम कितनी पीछे हो तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई और मुझे लगा कि सही कह रहे हैं आप मैं बहुत पीछे हूँ जबकि मैं अफसानों पर काम कर रही हूँ बेशुमार अफसाने में पढ़ चुकी थी तकरीबन तीन सौ अफसाने मैंने प्रेमचंद के ही पढ़ लिए थे उस वक्त तक तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा परेशान होने की बात नहीं है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कल ऐसा करना नींद का पेड़ ये तुम्हारा मौजू है इस पर तुम्हें अफसाना लिखना है तो उनके हुक्म की तामील करते हुए मैंने सबसे पहले अपना पहला अफसाना लिख दिया और हमारे माशरे में हमारे समाज में बहुत ही बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारी सलाहियतों को सराहते हैं हमें आगे बढ़ाते हैं तो मेरे उस अफसाने को भी सराहा गया हमारे जो एक उस्ताद हैं उन्होंने उसे अपनी मैगजीन में छापा और मैं मुझे हौसला दिया गया कि मुझे आगे भी लिखना चाहिए तो बस तब से ही मैंने अफसाने लिखना शुरू कर दिए और आज तक मैं कई अफसाने लिख चुकी लिख चुकी हूँ उर्दू में ही लिखती हूँ लेकिन अक्सर मेरी ये भी कोशिश रहती है कि उन अफसानों का मैं हिंदी में भी तर्जुमा कर दूँ ट्रांसलेशन कर दूँ ताकि वो सब तक पहुँच सके जहाँ तक अफसानों की बात है मेरी कोशिश अक्सर जो रहती है वो ये है कि बहुत छोटे छोटे मौजुआत या पॉइंट्स या जिंदगी के वो तजर्बे जो हम जिनके बारे में हम इतना गौर और फिक्र नहीं करते जो कहीं ना कहीं हमसे बहुत पीछे छूट जाते हैं मैं उनको अपना मौजू बनाती हूँ अभी हाल ही में जो मैंने अपना एक अफसाना लिखा था बूढ़ी काकी वो हमारे घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं उस पर मुश्तमिल था कि कैसे हमारे बुज़ुर्ग भी वक्त के साथ बदल चुके हैं इसके साथ ही दलितों के मसाइल जो हैं या राजस्थान की कोई रीति रिवाज है मोताना की प्रथा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में जिसकी वजह से बहुत लोगों ने सफ़र किया है मैंने उसको अपना मौजू बनाया है तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे मौजूद का इंतख्य मैं करूं या ऐसे मौजूद पर मैं कलम उठाऊं जिन पर जिनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या जिन पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है आज का जो मेरा अफसाना है जिसकी मैं जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो अफसाना दरअसल नई पीढ़ी या हम नौजवान लोगों को लेकर के अफसाना है अक्सर ये होता है कि खुदा की अता की हुई नेमतों को हम नेमतों का हम शुक्रिया अदा नहीं करते जिंदगी के भाग दौड़ में हम इतने मुब्तला हो गए हैं कि जो चीजें हमें मिली है उसका शुक्रिया अदा करना खुदा से उसका शुक्र करना उसमें खुश होना ये ये सब कुछ भूल ही चुके हैं हमारा मकसद अक्सर ये रहता है कि अगर इसने इतना हाल किया है तो हमें इससे बढ़कर चाहिए तो एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसे आखिर में समझ में आता है कि जिंदगी आखिर है क्या तो मैं शुरू करती हूँ अपना अफसाना कि मेरा जो अफसाना है वो है चंद टुकड़े और एक घूट पानी शाहन की जिंदगी बड़ी दिलचस्प और मुनफरद थी एक ऐसे दयानुसी मुस्लिम घराने में उसने अपनी आंखें खोली जहां बेटी की परवरिश उसे पाल पोस कर गोल बेलने में माहिर करने और फिर किसी एक मजबूत और खानदानी खूंटे से बांध देने के फर्ज पर मुंहसर थी खुद शाहीन की बड़ी बहन नाजनीन और खानदान की दूसरी लड़कियां यही तो करती आई थी या यूं कह लीजिए कि उनकी जिंदगी के सिर्फ दो ही मकसद थे अव्वल तो खुदा के अता किए हुन में मजीद चार चांद लगा और दूसरा अपने शबाब के शबोरोज सफेद घोड़े पर सवार होकर आने वाले शहजादे के ख्वाब देखने में गुजारना ऐसा नहीं है कि तालीम की कोई अहमियत नहीं थी बदलते वक्त ने बुज़ुर्गों की सोच और फिक्र को भी तब्दील कर दिया था लिहाजा अब इल्म हासिल करने पर कोई पाबंदी नहीं थी लेकिन जब मेहंदी रचे हाथों के ख्वाब देखने वाली नाजुक कलाइया खुद ही कलम के भार को न संभाल सके तो बेचारे वालदेन भी क्या करें? लिहाजा एक रिवाज सा हो गया कि इधर बेटे की रोटी उसके खूबसूरत चेहरे सी बनी और उधर उसकी डोली उठी लेकिन शाहीन का मामला जरा मुख्तलिफ था जहां उसे मेहंदी वाले हाथों से बदबू महसूस होती वहीं शहजादे के सफेद घोड़े पर वो खुद को सवार देखा करती अब ये वालदेन की सिर्फ दो बेटियां होने का फायदा समझ लीजिए या फिर अक्ल के साथ शक्ल की मौजूदगी बगावत तो जैसे उसके खून में थी हर एक रस्म और रिवाज और खानदानी रिवायत को जूते के नोक पर रखती हर एक बात पर सवाल करना और मुतम न होने पर सबके खिलाफ जाकर एहतजाज करना तो जैसे उसके लिए आम बात थी अब इस बात का इससे बढ़कर सबूत क्या होगा कि खानदान की किसी लड़की ने आज तक न कॉलेज के अंदर और न शहर के बाहर कदम रखा था लेकिन शाहीन न सिर्फ घर से कोसो दूर नए शहर में अकेले रहकर रिसर्च का काम कर रही थी बल्कि आईएएस बनने का जुनून भी उसके सर पर तारी था जिंदगी अपनी, अपनी शर्तों पर और अपनी मर्जी के मुताबिक जीने वाली शाहिन को किस्मत शाहीन की किस्मत पर खानदान और कॉलेज की हम असर रही तमाम लड़कियां रश्क करती दरअसल जिस मुआशरे से शाहीन का ताल्लुक था वहां ऐसी आजाद और खुद मुख्तार जिंदगी हासिल होना आम नहीं था बेशतर लड़कियां या तो इश्क आशिकी की दुनिया में डूबकर रह जाती या फिर अपने माँ बाप और दुनियावी रसूमात को निभाते निभाते अपने ख्वाबों को अलविदा कह देती लेकिन शाहीन के पास न शादी के लिए वक्त था और न ही बढ़ती उम्र की फिक्र होती भी क्यों गालिब की जो फैन थी बनी बनाई राह पर चलना या जमाने के बनाए दस्तूर निभाना तो उसने सीखा ही नहीं था तभी तो अपनी बहन की सोच और बेमकस जिंदगी को देख कर वो चिड़ जाती और बेचारी नाजुक और मासूम सी नाजनीन जिस तरह ससुराल से रोती हुई आती उसी तरह रोती हुई वापस लौट जाती इब्तदा से ही बेटी के बागाना तेवर और जहानत ने वाल्डेन को भी उसके आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था इसकी एक वजह यह भी थी कि शाहीन ने खुद पर हासिल शाहीन ने खुद पर फख्र करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया था लेकिन थे तो आखिर बेटी के ही माँ बाप लिहाजा अपनी काबिल बेटी को आला अहदे पर फायस देखने से ज्यादा डोली में बिठाकर रुख्सत करने की ख्वाहिश हावी थी हर कदम पर अपनी औलाद का साथ देने वाले वाले की नजरों में अब बेटी की बढ़ती ख्वाहिशें उम्र और डिग्री चुभने लगी थी लिहाजा अपने फर्ज को पूरा करने की कोशिश जोरों शोर से होने लगी लेकिन वो ये भूल गए शर्मो हया अदबो तहजीब और हुस्न के साथ साथ एक लड़की में जब ख्वाब काबिलियत सोचो फिक्र और नाहक बातों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जज्बा हो और फिर उस पर आला डिग्री भी हो तो उसे हजम करना एक आम शख्स के बस की बात नहीं होती और फिर मुस्लिम माशरे में जहा आला तालीम याफ्ता लड़की लड़के ही गिने चुने हो वहा किसी एक ऐसे शख्स का मिलना जो शाहीन जैसे बागी लड़की को संभाल सके जरा मुश्किल था फिर शाहीन समझौता करने वालों में से भी न थी लिहाजा कई रिश्ते आए और गए रफ्ता रफ्ता शाहीन की शादी और बढ़ती उम्र उसके वालदेन के लिए शर्म और रिश्तेदारों के लिए चटखारे लेने की वजह बन गई लेकिन शाहीन को इसकी परवाह कहाँ थी दरअसल शाहीन की बगावत और खुद मुख्तारी ने कहीं ना कहीं उसमें एक जिद और खुद पैदा कर दी थी दूसरों से बढ़कर खुद को साबित करने की राह में न सिर्फ वो अकेली चल रही थी बल्कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी ना शुक्री का जज्बा उस पर हावी रहता जिसका असर उसके शख्सियत पर भी होने लगा था और न जाने कब शाहीन की खूबियों की जगह खामियों ने ले ली एक खुशनुमा जिंदगी होने के बावजूद भी वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर कई महीनों के बाद आज शाहीन घर आई थी माँ बाप के चेहरों पर खुशी के साथ साथ फिक्र के अनासर भी झलवा करते खाने की मेज पर शाहीन की वालदा खाने के साथ साथ बेशुमार मोहब्बत भी परोस रही थी बेटी के खुशनुमा चेहरे पर संजीदगी की देखकर वालिद ने सवाल किया तैयारी कैसी चल रही है इंटरव्यू की डेट आ गई शाहीन ने जल्दी से पानी को गले से उतारते हुए जवाब दिया। जी, तैयारी तो पूरी है, है। लेकिन इंटरव्यू में शायद वक्त लग सकता है। अगर वक्त है तो बेटा शादी के बारे में सोच लिया जाए शाहीन की वालदा ने मासूमियत से हमेशा की तरह फिर वही मुद्दा उठाया अम्मी आपको अंदाजा भी है मैंने कितनी मेहनत की है बनना मेरा ख्वाब है फिर मेरा रिसर्च का काम भी तो चल रहा है जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा है कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और आपको शादी की लगी है शाहीन ने चिड़कर जवाब दिया शाहीन की झुंझलाहट देख उसके वालिद भी तिल मिला गए बात सिर्फ शादी की नहीं है शाहीन तुम्हारी बढ़ती जिद और बदले हुए रवैये की भी है आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास जो अपनी जिंदगी को लेकर इस कदर फिक्रमंद हो चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो चुकी है इतना सब कुछ हासिल कर चुकी हो फिर भी हर चीज से शिकायत रहती है तुम्हें आखिर चाहती क्या हो तुम अपने वालिद की ऊंची आवाज सुनकर शाहीन भी संजीदा हो गई देखिए पापा मैं हमारे खानदान की लड़कियों की तरह नहीं हूं और नाजरीन बाजी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूं जो फकत शादी के ही ख्वाब देखती रहे मेरा मकसद खुद की पहचान कायम करना है ये सब कुछ आपका है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है एक जिंदगी मिली है और मुझे इसे जाये नहीं करना एक अच्छी जिंदगी क्या होती है शाहीन जरा बताओ शाहन की वालदा ने बीच में ही टोका बेटा जिंदगी इतनी भी संजीदा नहीं है जितना तुमने इसे बना दिया है हमने हमारा बचपन उन तमाम चीजों की कमियों में गुजारा है जिनकी आज तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं है मेरी बच्ची दो वक्त की रोटी और सर छुपाने को छत बस यही जिंदगी का फसाना है तो अम्मी मैं आपको बता दूं कि फसाने जल्दी खत्म हो जाते हैं मुझे तो दास्तान लिखनी है एक आम नहीं खास पहचान बनाकर इस दुनिया को अलविदा कहना है आपने जिंदगी में देखा ही क्या है आप लोग कुछ नहीं समझेंगे रहने दीजिए खाने की थाली को जोर से धक्का देकर शाहीन आंधी की मानिंद कमरे की तरफ बढ़ गई डर फिक्र के मिले जुले जज्बात शाहीन के वाले के चेहरों पर दौड़ने लगे चारों तरफ खामोशी थी रात की तारीखी अपने साथ सुकून की चांदनी ले आई बिस्तर पर लेटी शाहीन आने वाली जिंदगी की फिक्र में आंखें खोलने और बंद करने लगी जमाने की बदलती तस्वीर में खुद को फिट करने की ख्वाहिश उसके अंदर हिचकोले खा रही थी गालिब का शेर हजारों ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले बार बार उसके जहन में चल रहा था जिसके आगे उसे अपनी माँ का बताया जिंदगी का फसाना बेमानी और आउटडेटेड नजर आता गहरी नींद में सो चुकी शाहीन की नींद यकायक खुल गई पेट में इस कदर शदीर दर्द उठा कि उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई अपने हाथों से पेट पकड़े वो अपने वालदे के कमरे में दाखिल हुई जहां उन्हें चैन की नींद सोते हुए देख वो वापस लौट आई कुछ देर रात की चांदनी में सुकून हासिल करने की कोशिश की लेकिन फिर एक शदीद दर्द उठा और एक जोर की चीख के साथ उस जमीन पर ओंधे मुंह गिर पड़ी हस्पताल में अपना भारी जिस्म और बेशुमार फिक्र लिए के वालिद इधर उधर दौड़ने लगे आखिरकार एक इंजेक्शन और शाहन को दर्द से निजात मिल गई रात खामोशी और फिक्र के साथ गुजर गई सुबह की रोशनी के साथ ही रात की तारीकी में उठा दर्द वापस लौट आया मामला जरा पेचीदा हो गया बरस की हस्पताल से घर और घर से हस्पताल की राह तय करते करते एक हफ्ता गुजर गया और आखिर नतीजा ये निकला कि शाहीन के जिस्म ने को कबूल करना ही बंद कर दिया दर्द के सबब चेहरा उतर कर मुड़ जा गया मामूली समझा जा रहा पेट का दर्द एक भयानक रूप इख्तियार कर चुका था जिसकी जद में आकर शाहन का हुस्न काफुर हो गया जब रिपोर्ट सामने आई तो सबके होश उड़ गए शाहीन का जिस्म अंदर से खोखला हो चुका था खून खुश्क हो गया था आंतों ने काम करना बंद कर दिया था हती के दिल की धड़कनों में ने भी साथ छोड़ने का फैसला कर लिया शाहीन के वालदे के सर पर जैसे हथौड़े पड़ गए अपने काबिल और हज़ारों ख्वाहिशों को पूरा करने की जद्दोजहद में मुबला बेटी को हस्पताल के बिस्तर पर बेबस लेटा देख उनका सब्र टूट गया शाहीन की वालदा की आंखें रो रो कर सूज गई और वो बहन जिसके लब पर अक्सर शिकायतें रहा करती उसके लिए दुआ करने लगी जिंदगी में आए इस तूफान ने जैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया दस रोज से भूखे प्यासे हस्पताल के बिस्तर पर लेटी शाहीन अशकबार निगाहों से अपने सामने बैठी उस औरत को देख रही थी जिसके पास से आ रही भिंडी की महक ने उसकी तवज्जो कुछ देर के लिए अपने गले में डाली गई मोटी पाइप के दर्द से हटा दी शाहीन के मुंह में पानी भर आया बेबसी का आलम यह था कि रोटी का एक टुकड़ा तो दूर बल्कि पानी की एक बूंद भी उसके जिस्म में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी जैसे जैसे ठंडा पानी उस औरत के गले में जाता शाहीन के जिस्म में आग लग जाती हर एक बूंद के साथ वो करबला में शहीद हुए तमाम अफराद के दर्द और तकलीफ को जैसे महसूस कर रही थी पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो रही शाहीन की आंखों से अगले ही लम्हा समुंदर छलक पड़ा इस कदर फूट फूट कर रोने लगी कि तमाम रिश्तेदार जमा होकर उसके दर्द पर अफसोस मनाने लगे सुइयों और दवाओं से लबरेज शाहीन का जिस्म आखिर बेसब्री की हद पर जा पहुंचा और एक दिन उसने पानी से भरा पूरा ग्लास अपने अंदर उड़ेल दिया अपनी भूख और प्यास के आगे उसे अपनी जिंदगी बेहद मामूली नजर आने लगी कुछ ही पल में वो पानी जो ने अपने अंदर डाला था दुगनी रफ्तार और तादाद में जिसम ने बाहर फेंक दिया हर जगह कामयाबी हासिल करने वाली शाहीन जिंदगी की दहलीज पर पस्त हो चुकी थी हर रोज नई आजमाइश से दो चार होता जिसम तो बेवफाई कर ही रहा था कि उसे वक्त बरसों से अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश में मुब्तला शाहीन की इंटरव्यू की डेट भी आ गई गर्ज की अब किस्मत भी बेवफा हो चली थी ऑपरेशन के टेबल पर लेटी शाहीन अपनी जिंदगी के सफर पर गौर करने लगी आठ से दस अफराद उसके इर्द गिर्द औजार का बंदोबस्त कर रहे थे शाहीन के जहन में अपनी माँ का दो वक्त की रोटी का फसाना जोर जोर से गूंज रहा था रुखसती के वक्त अपने वालदे के अशकबार चेहरों को याद करके उसकी आंखें भर आई वो खुदा से मुलाकात और कब्र की तंग दीवारों को तस्वुर करने लगी और अगले ही पल उसकी गमनाक आंखें बंद हो गई आफ्ताब की तेज़ रोशनी ने जैसे ही शाहीन के रुखसारों पर अपना एहसास जगाया तो अंदर बुझ चुकी जिंदगी ने पूरी आबो के साथ अगड़ाई ली बीस दिनों बाद हस्पताल से बाहर निकलकर शाहीन इतने दर्द और तकलीफ से गुजरने के बावजूद भी बेहद खुश थी वो मुस्कुराहट जिसके गायब हो जाने की शिकायत शाह के वालिद ने की थी आज फिर उसके चेहरे पर लौट आई थी अपनी बेटी के चेहरे की खुशी को देख रहे शाहीन के वालदेन को समझ नहीं पा रहे थे सब कुछ बिक चुका था सारी दौलत तकरीबन खत्म हो चुकी थी शाहीन का पूरा जिस्म कटा फटा था और वो मौका जिसकी वो बेसब्री से तलबगार थी वो भी हाथ से निकल चुका था लेकिन फिर भी हर वक्त शिकायत करने वाली शाहिन आज खामोश और पुरसकून थी अजनबी घर के दरो दीवार की खुशबू से उसे एक सुकून का एहसास हुआ कई दिनों के बाद जब नाज़नी ने शाहिन के जिस्म पर पानी डाला तो उसके एहसास से वो खिल उठी और पानी की कुछ बूंदे लेकर अपनी बहन के चेहरे पर छिड़क दी दोनों की हंसी से पूरा घर गूंज गया नहा धोकर जब शाहीन खाने की मेज पर बैठी तो सामने भिंडी की सब्जी रोटी और पानी रखा था शाहीन अपनी वालदा की तरफ देखकर मुस्कुराई खाने की महक और पानी की एक घूट ने उसके जिस्म को वो लज्जत और सुकून अदा किया जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था शाहीन की आंखों से चंद मोती गिर पड़े एक गहरी सांस के साथ उसने अपने दोनों हाथ उठा दिए और मुस्कुराकर खुदा का शुक्र अदा किया शुक्रिया मेरी ये कहानी जो है यहीं अख्ताम पर पहुँचती है मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी में छुपा जो मफहूम है वो समझ में आया होगा मैं फिर एक बार बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जन सरोकार मंच का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने पेश हो सकूँ और आप सभी का जिन्होंने यहाँ मेरे साथ शामिल होकर मेरी हौसला अफजाई की बहुत बहुत शुक्रिया आदाब